आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं चिली पनीर ग्रेवी वाली, जो कि एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है। ये देखिए, हम आपको निकाल करके दिखाते हैं कितना सॉफ्ट बना हुआ है। अभी आप देख लीजिए, ये देखिए, हम आपको काट करके दिखाते हैं। बहुत बढ़िया है। आप हमारा वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा कि कितना अच्छा और कितने आसानी से बना हुआ है। एकदम मुश्किल से 4 चम्मच तेल से हमने इसको बनाया है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक ज़रूर करें। ये गैस पर हमने एक पैन चढ़ा दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल और तेल को हम चारों तरफ से इस तरह से कोट कर देंगे और गैस को हम फुल पे कर देंगे। तेल हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा। तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है। अब इसमें हम ये पनीर डाल देंगे और इसको इस तरह से सौटे करेंगे। इसमें डालेंगे अब हम 1 चम्मच इस तरह से नमक और 1 चम्मच ये चिली पाउडर और 1 चम्मच ये सफ़ेद मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हल्दी। अब इन सबको हमें अच्छे से सबको इस तरह से करके सॉटे करना है। पनीर हमारे अच्छे से सिक गया है। अब इसको हम साइड में रखते हैं और उसके ऊपर हम चढ़ाते हैं एक कढ़ाई और इसमें हम डालते हैं 3 चम्मच तेल। तेल हमारा गरम हो गया है। इसमें हम 4 चम्मच ये कटा हुआ लहसुन डाल रहे हैं। इसमें अब हम डालेंगे ये आधा शिमला मिर्च है, इसको हमने बड़े टुकड़ों में काटा हुआ है, और 1 प्याज है, इसको भी हमने बड़े टुकड़ों में काटा हुआ है, और ये 3 से 4 हरी मिर्च है। टमाटर आप इच्छा है डाल सकती हैं या नहीं डाल सकती हैं, लेकिन इसको अभी हम थोड़ी देर बाद डालेंगे। इसको हमें 1 से 2 मिनट तक तेज आंच पर ही पकाना है। अब इसमें हम ये जो टमाटर काट के रखे हुए हैं इसको भी डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़े सॉसेस डालेंगे, तो ये 1 चम्मच हम ये डाल रहे हैं चिली सॉस, चिली टोमेटो सॉस 1 चम्मच से, और 1 चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं सोया सॉस, और 1 ही चम्मच इसमें हम डालेंगे वेनेगर सिरका। इसमें हम 1 चम्मच सफेद मिर्च पाउडर डालेंगे और सबको हम 1 से 2 मिनट फुल गैस पर ही पकाएंगे। और 1 चम्मच हम इसमें नॉर्मल टोमेटो सॉस डाल दे रहे हैं। आपकी इच्छा है डाल सकती हैं या नहीं भी डाल सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप इसमें सेजवान सॉस डाल सकती हैं, पेरी पेरी सॉस आती है उसको भी डाल सकती हैं। इसको हमने 1 मिनट भूना है। अब इसमें हमें अपने हिसाब से पानी डालना है, जितना ग्रेवी आपको रखना है उस हिसाब से आप इसमें पानी डालेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे नमक। नमक वैसे हमें थोड़ा कम ही डालना होगा, क्योंकि हमने पनीर में भी नमक डाला हुआ है, इसलिए चखने के बाद हम फिर डालेंगे। अभी इस समय थोड़ा नमक डाल देंगे। अब ग्रेवी हमारी उबलने लगी है। अब ये जो हमने पनीर रखा हुआ है इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे एक आखिरी चीज, ये हमने लिया है 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर। इसको हम पानी में घोलेंगे, इस तरह से पानी डालेंगे और चम्मच से हम इस तरह से इसको घोल देंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लोर कभी भी किसी भी चीज में आप डालिए, बिना घोले नहीं डालिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट डालेंगे तो गुठली बन जाएगी। तो ये देखिए हमने इसको घोल लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इस तरह से लाते जाएंगे। तो ये देखिए कितना थिक बन गया है। बस इसको हम 1 से आधा मिनट और पकाएंगे, जब तक कि जो कॉर्नफ्लोर डाला है वो हल्के से पक ना जाए, तब तक हमें इसे पकाना है। उसके बाद इसको हमें चख लेना है, चख के हमें देखना है कि नमक वगैरह सब ठीक है कि नहीं है, उसके बाद गैस
बंद कर देंगे। इसको पकते हुए एक मिनट हो गया है, अब हम गैस बंद कर देंगे और सर्व करेंगे। अब हम एक बाउल ले लेंगे और इसमें निकाल लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया बना है, ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग सब्सक्राइब कमेंट लाइक जरूर करें। थैंक यू, गुड डे।